लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाई साहब, एक पानी की बोतल देना। हेलो, मेरे प्यारे जेरी, इतने घबराए हुए क्यों हो? जॉर्ज अंकल का मस्ती मजाक और मरिया आंटी की स्पेशल चाय, समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मुझे अकेले में बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा बेटा जो है मेरे साथ, जूनियर जेरी, बहादुर बच्चा। हेलो हेलो जेरी, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। गर्भवती महिलाएं और अजन्मे बच्चे जिन्होंने अभी तक इस दुनिया को देखा भी नहीं है, हमेशा एक साइको मर्डर के डर में रहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण गर्भवती महिला हत्या का ये तीसरा मामला है। The situation is very panic. P3 answer. मैं इंस्पेक्टर शेजू, सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिक है, हमें शक है ये एक मर्डर है। ओवर। मैडम, कोई क्लू मिला? नो आइडिया, शायद कैरोटिड आर्टरी में चोट लगने के कारण ही इस महिला की मौत हुई होगी। ओके, बट आई एम श्योर किसी विक्टिम का नाम टेरेसा है और उसका घर यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर है। इनके पति जेरी एक वाइल्ड। कोई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या सर? अभी तक नहीं, ये फॉरेस्ट एरिया है तो थोड़ा वक्त लग। Yeah.
एक महीने की छुट्टी के बाद मैंने कल ही ज्वाइन किया है, तो तुमने जाने का फैसला कर लिया क्या? इसे खुश करने के लिए ट्रिप पे जा रहा हूँ। ओ बढ़िया, प्रेग्नेंट वाइफ को खुश करने का बढ़िया तरीका है ना ये। अरे वाह, तुम भी यही तरीका आजमाते हो। हाँ सही कहा, ट्रेनिंग पीरियड में यही मेरे गुरु थे। मुझसे नहीं, मैंने तुमसे, तुमसे। हाँ, संगत खा सर है। नमस्ते सर। स्वामी शरणम। आप कब आए सर? कल ही, यहाँ रखो। नमस्ते। लीजिए। थैंक यू। नमस्ते। लो चाय पियो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या सच में उस जगह पर जाना है क्या? तुम्हें तो पता है वहां पर क्या हुआ था। वो सब बीता हुआ कल है। चलो चाय पियो। है सुपर हीरो, कम ऑन, आराम से। हाँ तुम ये हमेशा अपने साथ लेकर चलते हो? हाँ, क्या सोते समय भी इसे अपने साथ ही रखता है। अब मैं चलता हूँ, कल सुबह मुझे त्रिवेंद्रम पहुंचना है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। चलो बाय। सी यू। बैठो बैठो। राजीव संभल कर जाना। श्योर थैंक्स, अब मैं चलता हूँ। स्वामी शरणम। संभल कर बेटा। बाय। आराम से। वक्त देखते हो ना जगह। अब क्या बीवी को गले लगाने के लिए मुझे मुहूर्त ढूंढना पड़ेगा क्या? अब ऐसे दिन आ गए। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम प्रेग्नेंट इसलिए हुई हो क्योंकि इस पति ने तुम्हें गले लगाया था। बेशरम कहीं के, फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ जंगली भी हो गए। हाँ वो तो मैं हूँ ही। अच्छा ये बताओ जूनियर राजू क्या कर रहा है? इसने अभी अभी अपना SI टेस्ट पास किया है और अब वो मेरे पेट के अंदर अपनी फाइनल ट्रेनिंग पूरी कर रहा है, समझे? आर्मी ऑफिसर की बेटी का सेंस ऑफ ह्यूमर। तुमने पी रखी है? बस दो पैग। रॉयल सल्यूट। तुम मेरा सुधरोगे नहीं। ए, जरा संभल कर चलो। ओके, तुम्हारे रॉयल सल्यूट को भी मेरा सल्यूट। तुम्हें सल्यूट करना है तो मैं सिखाता हूँ। पापा क्या हुआ? बेटा कुछ खास नहीं, हम बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। ओ चलो हम चलते हैं, इन दोनों को बात करने दो, हम खेलते हैं। तो कल हम यहाँ से जा रहे हैं। गेट सेट गो। चिंकी चलो। बच्चे कितने खुश है ना। चिंकी आहा, मैंने कहा रुको। तुम्हारे भाई यानी घोस्ट हंटर का कॉल है। अरे वो कोई घोस्ट हंटर नहीं है, वो ना पैरा साइकोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है, समझे? सच में? हाँ फिलहाल वो साइको किलर्स पर रिसर्च कर रहा है। इन सब चीजों के लिए रिसर्च करने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? शादी कर लो। हा? सब कुछ अपने आप पता चल जाता है। चलो फोन उठाओ। हेलो राजीव। हेलो साले साहब, देखो तुम्हारी बहन यही है। हाय। हाय। सुनो बच्चों, तो वहाँ सब कैसे चल रहा है? तो कहाँ तक पहुँचे तुम लोग? हम लोग अब तक यहीं पर हैं। पर तुम कहाँ हो? मैं तुमसे बस 10 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। फादर माइकल से मिलने के लिए लाइब्रेरी आया हूँ, मुझे कुछ डेटा कलेक्ट करना था। तुम लोग कब निकल रहे हो? बस थोड़ा फ्रेश होकर शाम को यहाँ से निकल जाएंगे। और बताओ तुम लोग इस रास्ते से क्यों नहीं आए? इसी बहाने मिल लेता मैं बच्चों से। हेलो बोलो बेटा। हेलो। हाय सचिन। हाय चिंकी। इस रास्ते से आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है, मुझे सुबह होने से पहले घर पहुँचना है, देखते हैं। पर कोशिश तो करना। ओके ठीक है, जल्दी मिलते हैं। ओके। आनंद किसका फोन था? मेरे जीजा जी का। अच्छा राजीव का। हाँ अभी वो है कहाँ? त्रिवेंद्रम में। हाँ
वो एक यंग ब्रिलियंट बहादुर ऑफिसर है। अच्छा आनंद, उसके बारे में तुम्हें जो जानकारी चाहिए मैं देता हूं। एक बात बताऊं, यहां लोग ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि एक आदमी चोर कैसे बन गया या फिर कोई इंसान सेक्स वर्कर कैसे बन गया, इसके बारे में पूछते हैं। लेकिन तुमने एक ऐसे शख्स के बारे में पूछा है जो सीरियल किलर कैसे बना जिसकी जांच करने वाला कोई नहीं। तुम उस पे रिसर्च कर रहे हो आनंद, आई रियली अप्रिशिएट यू। हमने इसकी वजह ढूंढ ली है। कोई इंसान जन्म से मानसिक रोगी या सीरियल किलर नहीं होता। दरअसल उसकी परिस्थितियां और समाज उसे ऐसा बनने पर मजबूर करता है, तब जन्म होता है ऐसे सीरियल किलर का। मेरे साथ आओ। पिछले एक साल में इनमें से हर किसी ने एक रिकॉर्ड बनाया है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सीरियल किलिंग और खून बहाकर दुनिया को हिला कर रख दिया है। एलन वर्नॉस, पैदाइश 1965। इसने 1989 से 1990 के बीच एक साल में 7 लोगों के सिर पर वार करके उन्हें मार डाला। और ये इंडियन है, नाम है केडी केसम्मा, साइनाइड मल्लिका। कर्नाटक पुलिस इसे इस नाम से बुलाती थी। इसने 1998 से 2007 के बीच 6 महिलाओं को साइनाइड देकर मार डाला, हमारे कूडत हाई मॉडल केस की तरह। और ये है रमन राघव उर्फ संडी थलवाई, अन्ना थंबी, वेलु स्वामी, ऐसे कई नाम है इसके। 1960 का ये एक कुख्यात सीरियल किलर है। एक दो नहीं बल्कि इसने पूरे 41 लोगों को मारा है। इसका शौक था फुटपाथ पर सो रहे लोगों का सिर काटना। और ये है ऑटो शंकर, टारगेट सिर्फ लेडीज, रेप करके उन्हें मार देता था। एक साल में 6 मर्डर। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ताहब जयराम जिसने 125 लोगों की हत्या की, रोनू शिंदे जिसने केवल बच्चों की हत्या की, देवेंद्र शर्मा जिसने 100 लोगों को मारा, जयशंकर जिसने 30 महिलाओं को रेप करके उन्हें मार डाला, अमरुद्दीन सादा जिसने 5 साल से कम उम्र के बच्चों की हत्या की। 20 लेडीज को मारने वाला एक और है, मोहित कुमार। फादर कहीं ये? हाँ, ये है विक्टोरिया, मलयाली है। इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हाँ हाँ, मुझे याद है। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे जीजा राजीव भी इसे जानते हैं। विक्टोरिया, एक बार जब हत्या के मामले में उस पर शक किया गया था तब राजीव भी वहां मौजूद थे। फादर, मुझे हमेशा से एक बात जाननी थी, आखिर एक नन जो एक अच्छे ईसाई परिवार में पैदा हुई हो, वो मर्डरर कैसे बन सकती है? आनंद, विक्टोरिया का इस खून खराबे की जिंदगी से पहले पता है उसका एक बहुत ही खूबसूरत अतीत भी था। बेचारी विक्टोरिया, दरअसल वो एक निहायत ही सख्त पिता की इकलौती बेटी थी। वो एक यूथ आइकन थी, बहुत ही सुंदर, कराटे, जूडो, ब्लैक बेल्ट, ऑफ रोड ड्राइविंग, सभी में एक्सपर्ट। उसकी पर्सनैलिटी सभी को अट्रैक्ट करती थी। उसे सभी पुकारते थे फ्लाइंग विक्टोरिया के नाम से, क्योंकि वो सच में सुपर गर्ल थी। अपने दोस्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसके इतने होनहार होने के बावजूद उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? जिसने पौधे को पानी दिया उसने उसकी जड़ें काट दी। विक्टोरिया का किसी से अफेयर चल रहा था, अलग धर्म के किसी छोटी जाति वाले लड़के से। विक्टोरिया उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं था।
विक्टोरिया की प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इस बारे में उसके पिता को पता चला। लेकर जाओ, बंद कर दो कमरे में। इसके बाद विक्टोरिया को चर्च भेज दिया गया। उसे नन बनने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन उसके पिता और उसके भाई ये बात नहीं जानते थे कि विक्टोरिया प्रेग्नेंट थी। उसका पिता अपनी आंखों के सामने उसकी कोख में पल रहे बच्चे को नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उसे पुराने चर्च के पास वाले पागलखाने में भेज दिया। इसके बाद ऑपरेशन करके उसका 5 महीने का गर्भपात करवा दिया, यहाँ तक कि उसका गर्भाशय भी हटवा दिया ताकि अपवित्रता की कोई निशानी ना रहे। और ये सब कुछ किया डॉक्टर मल्लिका ने, नोटोरियस, पैसों के लिए कुछ भी करने वाली। लेकिन उसने ऐसा तब किया था जब वो खुद प्रेग्नेंट थी। उसके बाद विक्टोरिया का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। नहीं, सच कहूं तो डॉक्टर मल्लिका ने दवाइयों का इंजेक्शन दे देकर उसे पागल बना दिया ताकि वो चुप रहे, महिलाओं के खिलाफ हो गई। जब उसे पता चला कि वो फिर कभी मां नहीं बन पाएगी तो वो पूरी तरह निराश हो गई। इस वजह से उसने फैसला किया कि वो कभी किसी औरत को मां नहीं बनने देगी। वो प्रेग्नेंट औरतों का गला काट कर उन्हें मारने लगी और एक सीरियल किलर बन गई। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर का तिरस्कार करने लगी जिसने उस पर दया नहीं दिखाई। वो एक अराजकतावादी बन गई, एक ऐसी नास्तिक औरत जो शैतान की पूजा करने में विश्वास करती थी। सबसे पहले उसने डॉक्टर मल्लिका की गला का इसके बाद उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया। एक रात किसी ने विक्टोरिया का घर जला दिया जिसमें उसके पिता के साथ 6 लोगों की मौत हो गई। फिर उसके बाद रेलवे ट्रैक पर एक नन की डेड बॉडी मिली जिसे बाद में पुलिस ने विक्टोरिया के रूप में आइडेंटिफाई किया और उसकी फाइल बंद कर दी। लेकिन आज भी रात के समय विक्टोरिया हमेशा अपने चहेते शिकार की तलाश में रहती थी। अब इसी तरीके की हत्या का ये तीसरा मामला है। पुलिस के अनुसार ये वही कार्य प्रणाली है। पुलिस का कहना है कि सभी तीनों हत्याएं एक ही व्यक्ति ने की है। मर्डर का तरीका और हथियार सब कुछ बिल्कुल एक जैसा ही है। क्या ये विक्टोरिया अभी भी जिंदा है फादर? नॉट श्योर। काफी समय से उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना। मुझे भी ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है, वरना प्रेग्नेंट औरतों की हत्या के बारे में सुनने मिलता। हाँ भाई, निकल ही रहे हैं, हम बस कार में ही बैठने जा रहे हैं। हाँ, राजीव को बोल दूंगी। ये लो।
चलो आ जाओ। बेटा कहाँ गया? वो वहाँ बाहर है। चिंकी जाओ कार में बैठो। चलो बेटा चलो आ जाओ आराम से। बेटा कहाँ है? वो बाहर ही है। आ जाओ आओ संभल कर। राजीव मेरा भाई आनंद यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है। वो कह रहा था कि उससे मिलकर जाना। देखते हैं बैठो आओ। संभल कर। सर कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। सचिन चलो बैठो। बेटी की स्केटिंग अभी भी चल रही है क्या? हाँ जाओ गाड़ी में बैठो। सर दोबारा कब आएंगे? जल्द ही आएंगे और अगली बार एक मेंबर और ऐड हो जाएगा। हाँ ओके सर। सेफ जर्नी। थैंक यू। लेट्स गो। जो हुकुम। सुनो राजीव प्लीज आराम से ड्राइव करना। हाँ हमारे होने वाले बेटे को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसे सोने दो प्लीज। बेटा ही क्यों? बेटी हुई तो बेटा। बेटी कहा ना बेटा। बेटी बेटा। हाँ रुको रुको रुको। नहीं बेटी। मैंने कहा ना देखना बेटी होगी। नहीं बेटा ही होगा। तो फिर समझौता कर लेते हैं। कैसा समझौता? इस बार बेटी अगली बार बेटा। अरे राजीव ये लड़कियाँ प्रॉब्लमेटिक ही होती है ना डैड? ओह मैं तुम लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगती हूँ? मैं मॉम के साथ हूँ। हाँ सच में? अभी 42 यूनिट्स हैं। वैसे दिन में 2 बार इंसुलिन लेना अच्छा नहीं होता पता है ना आनंद? हाँ। लेकिन किसी तरह इस शुगर को कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा ना। क्या ही ये गॉड माइकल के साथ खेल रहा है? थैंक यू। तुम्हारी बहन और जीजा जी निकल गए? हाँ थोड़ी देर पहले ही। वैसे उन्हें रात में सफर नहीं करना चाहिए, खास तौर से जंगल में कोहरे की वजह से। तुम्हें तो पता ही है कि सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। जीजा जी को दोपहर तक फॉरेस्ट के हेड ऑफिस पहुंचना है त्रिवेंद्रम में। इसीलिए आनंद कहाँ खो गए तुम? कुछ नहीं। कहीं तुम विक्टोरिया के बारे में तो नहीं सोच रहे? ये कोई भूत प्रेत की कहानी लगती है। ये तो पक्का नहीं है कि भूत होते हैं या अंधविश्वास है। हाँ लेकिन विक्टोरिया कोई मिथक नहीं है, वो उतनी ही सच्ची है जितनी मुर्दा घर की दुर्गंध। अंधेरा हो रहा है, सुबह जल्दी निकलना चाहिए था। राजीव तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क है? मेरी सुंदर बीवी है ना रास्ता दिखाने के लिए। हाँ हाँ इतिहास गवाह है सुंदर महिलाओं के पीछे। हेलो हेलो क्या हुआ? कल की मीटिंग में मुझे सुबह 11 बजे तक पहुंचना है। पता नहीं सुबह जल्दी उठ पाऊंगा या नहीं। सुबह 4 बजे का अलार्म सेट करो, मैं तुम्हें उठा दूंगी। मेरी नींद खुलनी चाहिए ना। डोंट वरी खुल जाएगी। अच्छा अच्छा गूगल मैप सेट करो। अभी सेट करता हूँ। सिग्नल लॉस्ट हो गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। नेटवर्क चला गया। अरे चला गया। काली जबान है तुम्हारी। अब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं। इन जंगलों और सड़कों से
ड्राइव करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था थोड़ी देर शांत हो जाओ। अब हम क्या करेंगे? कहा ना चुप हो जाओ। चेक करता हूँ। पर क्या? बेटा सचिन तुम बाहर क्यों आए? चलो अंदर बैठो। चलो बैठो। राजीव देखता हूं कोई सिग्नल मिलता है क्या। ओके हेलो आनंद, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कहाँ पहुंचे तुम लोग? हम लोग अभी पुराने चर्च के पास पहुंचे हैं। टायर चेंज करना पड़ेगा क्या? चेंज करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो सुबह तक यहीं रुक जाएंगे। सचिन ये लड़का भी ना। हेलो सचिन। हेलो हेलो आनंद।
चिंकी, गाड़ी से बाहर क्यों आई? डरो मत चिंकी, अवंतिका, 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 सचिन, सचिन, अवंतिका, सचिन, अवंतिका, चिंकी बेटा यहां से हिलना मत, ओके? सचिन, चिंकी, डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैंने कार से बाहर आने को मना किया था ना? सचिन मेरी बात सुनो, सचिन कहाँ चला गया? चिंकी, चिंकी, चिंकी बेटा, चिंकी, सचिन, चिंकी, अवंतिका, 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 सचिन, सब कहां हो? सचिन, सचिन, पापा मैं यहां पर हूं। हो कहां तुम? अवंतिका, भैया,
क्या हुआ जिंकी, कोई प्रॉब्लम है क्या? मम्मी वहाँ है। नहीं, मम्मी तो वहाँ पर है, चलो। सचिन! चिंकी! सचिन, अवंतिका! उठाई तो ऊपर एक शिकार खड़ा था। उसका रंग था पेल ग्रीन। इसका मतलब होता है मौत, और उसका साथ ही होता है कब्र। इन दोनों को जान लेने का हक मिला है इस हथियार से। अवंतिका, जल्दी भागो यहां से। चिंकी, आवाज मत करो।
अरे जीजा जी कॉल कर रहे थे। हेलो हेलो फादर। क्या हुआ आनंद? मेरी बहन और जीजा जी। क्या हुआ उन्हें? मैंने उन्हें कॉल किया था। हाँ। लगता है कोई मुसीबत में है वो। आनंद साफ साफ बताओ आखिर हुआ क्या है? मुझे लगता है वो रास्ता भटककर जंगल वाले पुराने चर्च में पहुंच गए। हाँ। अजीब सी आवाज सुनाई दी, औरत की डरावनी हंसी। औरत? विक्टोरिया? स्वर्ग तो बच्चों का ही होता है। तुम कहाँ हो बच्चों? मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाऊंगी। अरे मेरे पास आओ। आ जाओ। मामा बुला रही है। मेरे पास आओ प्लीज। आओ मेरे पास। हाय। 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 राजीव कहाँ हो तुम? अवंतिका। Ah!
चिंकी, मम्मी, चिंकी, जैसे ही मेमने ने छठी मोहर तोड़ी और एक बड़ा भूकंप आया, सूरज काले कपड़े की तरह काला हो गया और चंद्रमा खून की तरह लाल हो गया, खून की तरह। इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए, घबराओ मत अवंतिका, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मम्मी, मेरे बच्चों,
चुप हो जाओ, यहीं रुको और शांत रहो, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, तुम घबराओ मत, ओके? तुम यहीं रुकना। आनंद, तेज चलाओ। मुझे यकीन है कि वो विक्टोरिया ही है जो उस चर्च में रहती थी। राजीव, तुम्हारी बहन और बच्चे मौत के मुंह में हैं, क्योंकि विक्टोरिया जख्मी शेरनी है। अगर उसे जरा सी भी खून की महक आई तो वो वहां सबका खून बहा देगी। और नहीं चल सकती। हाँ? मम्मी, मम्मी, पापा, चिंकी, सचिन, कुछ नहीं, मेरे बच्चों, शांत, शांत हो जाओ चिंकी, कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चों, अमिता, शांत हो जाओ। आवाज बंद करो। आवाज बंद करो। शांत, शांत। Thank you.
आराम से उतरना, आराम से बेटा, आराम से। संभल कर, संभल कर, संभल कर राजीव, ध्यान से, ध्यान से, आराम से बच्चों। चिंकी आ जाओ, संभल कर, आराम से चिंकी, मम्मी यही है, चिंता मत करो, आराम से। सचिन ध्यान से, राजीव ठीक से पकड़ना बच्ची को, कुछ नहीं होगा, आराम से, आराम से हो। ध्यान से, पापा। राजीव मेरा बेटा, सचिन, सचिन, राजीव, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, जल्दी करो। बेटा कूदो, कूदो बेटा, somebody come.
अजीब। राजीव यहाँ आओ। चलो। राजीव। राजीव संभाल कर। आनंद उस तरफ। आ जाओ, आओ। इसे हटाना होगा। चलो बच्चों। आ,
पहले मैं जाता हूं और फिर तुम मेरे पीछे आना। हाँ? ताज़ा स्थिति से पता चल रहा है कि ये केस लगभग सॉल्व हो चुका है। आप देख सकते हैं मीडिया भी यहाँ पर कहा गया है कि विक्टोरिया इस चर्च में कई सालों से बंद थी और किन हालातों में ये सारी वारदात अंजाम हो रही थी। फिर से भाग गई। हमारे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। फिकर मत करो, वो जल्दी पकड़ी जाएगी। मैं सब कुछ संभालूंगा। सर, रिपोर्टर्स के लिए कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे आप? यहाँ पर क्या हुआ है? प्लीज, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ सब मैनेज कर लूंगा। राजीव, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो निकलते हैं यहाँ से। दीदी, बैठो अंदर। आप देख सकते हैं कि सभी लोग टेंस थे और मीडिया से ज्यादा बात नहीं कर रहे। विक्टोरिया जैसे एक सीरियल किलर का पुलिस के हाथों से भाग जाना काफी शर्मजनक बात है। हम आपको पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार पुलिस से पूछताछ कर रहे हैं और इस बारे में और जानकारी हासिल कर रहे हैं। जैसे हमें पता चले जल्दी आना आनंद, चलती हूँ।
टाइम जल्दी निकल गया है ना। अच्छी पिक्चर थी है ना। चलो कहीं बाहर खाते, बैठो। नहीं, घर जाकर खाना खाते हैं, माँ अकेली है। ठीक है, चलते हैं। रास्ते में पार्सल ले लेते हैं। बैठूं मैं? हाँ, बैठो, आराम से बैठना। संभल कर, संभल कर। हाँ, ठीक से बैठ गई ना? हाँ। वैसे तो मूवी की बहुत बुराइयां करती हो, आज कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्योंकि मुझे वो मूवी बहुत पसंद आई, अभी भी अंदर से डर लग रहा है। किस बात का? विक्टोरिया केवल एक एक्टर ही नहीं है, वो एक जीवित सत्य है। क्या तुम भी अभी तक रिलैक्स फील नहीं कर रही हो क्या? कैसे रिलैक्स फील होगा, मैं भी विक्टोरिया की वांटेड लिस्ट वाली स्थिति में ही तो हूँ। कितने दुख की बात है, तुम अपनी रियल लाइफ को मूवी लाइफ से कंपेयर कर रही हो। इसका असली क्रेडिट जाता है मूवी बनाने वाले को। मुझे तो मूवी की खास बात लगी, हीरो का कमबैक सुपर था। सभी ने बहुत बढ़िया काम किया, पर श्वेता और कैलाश ने तो बहुत ही अच्छा। और मेरे दिमाग से अभी भी डर गया ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत डरी हुई हूँ। मूवी में जैसे हीरो हीरोइन का ख्याल रख रहा था ना, ठीक वैसे ही ख्याल रखूंगा मैं तुम्हारा।